आधे लोग आपको 6 महीने के अंदर, आज से 6 महीना काउंट करिए, आज हम 9वें महीने में 19 तारीख को बात कर रहे हैं, आज से 6 महीने के अंदर केजरीवाल जी के बड़े 3 साथी उनको छोड़ के जाएंगे। जी एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे हम। अब तो अरविंद केजरीवाल और टीम अन्ना हजारे दोनों के राह जुदा हो गए। अन्ना हजारे फिर से जन लोकपाल के लिए जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल राजनीतिक विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है जनता का विश्वास किस पे ज्यादा है इस समय? जनता किसके साथ जुड़ना चाहेगी, अन्ना हजारे या फिर केजरीवाल? देखिए, अन्ना की क्रेडिबिलिटी केजरीवाल जी से ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो तत्व राजनीतिक लाभ के लिए अन्ना के आंदोलन में गए थे वो लोग केजरीवाल के साथ जाए, और जो लोग सामाजिक निष्प्रह आंदोलन चाहते हैं वो अन्ना के साथ जाएंगे। जी इस समय ऐसा एक ध्यान रखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात देखना काफी दिलचस्प रहने वाली है कि अब लोगों का ध्यान किस ओर रहेगा। सुरेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। सुरेश चौहान के जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे टोपी फैक्टर की। जो टोपी हमें देखने को मिली थी, मैं अन्ना हूं, और उसके बाद देखने को मिली मैं अरविंद हूं, क्या ये टीम अन्ना के अहम सदस्य अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत का कारण बना? बने रहिए हमारे साथ।